हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ 20th सेंचुरी ड्रामा। ड्रामा विच हैड सफर्ड स्टीव डिक्लाइन ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज वॉज रिवाइव्ड विद ग्रेट गुस्ट इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी and the course of six decades and witnessed many trends and currents in the 20th century drama. नाटक जिसने विक्टोरियन युग में तीव्र पतन का सामना किया वह 20वीं शताब्दी के आरंभ में बहुत जोर जोर से पुनरारंभ हुआ। छह दशक की अवधि में 20वीं सदी में नाटक ने अनेक प्रवृत्तियां तथा प्रकार देखे थे। फर्स्ट है इसमें रियलिज्म। रियलिज्म इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड आउटस्टैंडिंग क्वालिटी ऑफ मॉडर्न ड्रामा। द ड्रामेटिस्ट ऑफ अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी वर इंटरेस्टेड इन नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म एंड इट वॉज देयर टू डील विद रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ इन अ रियलिस्टिक टेक्निक इन देयर प्लेज। द पोस्ट वॉर generation of men and women started the demand for reality above all things. They demanded that dramatists shouldn't show them life as if living itself were not sufficiently intense for them. The theater was not an escape for them. वर्तमान नाटक का सबसे महत्वपूर्ण गुण यथार्थवाद है। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में नाटककार प्रकृतिवाद यथार्थवाद में रुचि लेते थे। इनका प्रयत्न यही होता था कि वे जीवन की वास्तविक समस्याओं को यथार्थवादी तकनीक द्वारा अपने नाटकों में प्रस्तुत करें। स्त्री पुरुषों की युद्धवाद की पीढ़ी सर्वोपरि यथार्थवाद की मांग रखी। वे यही चाहते थे कि नाटककार उन्हें जीवन का दर्शन कराए जैसे उनके स्वयं का जीवन उनके लिए पर्याप्त नहीं है। रंगशाला उनके लिए पलायन का स्थान नहीं थी। नेक्स्ट ड्रामा ऑफ आइडियाज। मॉडर्न ड्रामा इज एसेंशियली अ ड्रामा ऑफ आइडियाज रदर देन एक्शन। द स्टेज इज एम्प्लॉयड बाय ड्रामाटिस्ट टू गिव एक्सप्रेशन टू सर्टेन आइडियाज विच दे सीक टू प्रोपेगेट इन सोसाइटी। द मॉडर्न ड्रामा डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ हैज बिकम फार मोर इंटेलेक्चुअल दैन एवर इट वॉज इन द हिस्ट्री ऑफ ड्रामा बिफोर द प्रजेंट एज। वर्तमान नाटक प्रमुख रूप से एक्शन के स्थान पर विचारों का नाटक था। नाटक का रंगमंच का प्रयोग उन विचारों की अभिव्यक्ति के लिए करते थे जो वे समाज में स्थापित करना चाहते थे। जीवन की समस्याओं के वर्णन के कारण वर्तमान नाटक इतना मानसिक बन गया जितना इस युग से पूर्व नाटक इतिहास में कभी भी नहीं था। नेक्स्ट है पोएटिक प्ले। अनदर रिएक्शन ऑन रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म इन ड्रामा वॉज इन्वेंस्ड इन द पॉपुलराइजेशन ऑफ पोएटिक प्लेज बाय होस्ट ऑफ ड्रामाटिस्ट हु हैव प्रोड्यूस्ड पोएटिक प्लेज इन लार्ज नंबर्स। टी एस इलियट espoused the cause of poetic plays against the realistic prose drama of the modern age. नाटक में यथार्थवाद नेचुरलिज्म के प्रति दूसरी प्रतिक्रिया नाटककारों के एक समूह द्वारा पोएटिक प्ले को प्रसिद्ध बनाकर प्रकट की गई। इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में पोएटिक प्ले की रचना की। टी एस इलियट ने वर्तमान युग के यथार्थवादी गद्य नाटकों के विरुद्ध पोएटिक प्ले को बढ़ावा दिया। वर्तमान युग में काव्य नाटकों को विकसित करने वाले कुछ नेम प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री एंड बायोग्राफिकल प्ले। अनदर ट्रेंड इन मॉडर्न ड्रामा इज इन द डायरेक्शन ऑफ यूजिंग हिस्ट्री एंड बायोग्राफी फॉर ड्रामेटिक ट्रीटमेंट। There are many beautiful historical and biographical plays in modern dramatic literature. George Bernard Shaw, Caesar and Cleopatra and Saint John are historical plays of great importance. वर्तमान नाटक में दिखाई पड़ने वाली एक प्रवृत्ति
इतिहास तथा जीवनी के नाटकों के रूप में प्रयोग करने की दिशा में हैं। वर्तमान नाटक साहित्य में अनेक सुंदर ऐतिहासिक तथा बायोग्राफिकल नाटक हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के सीजर एंड क्लियोपेट्रा तथा सेंट जॉन अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नाटक भी हैं। नेक्स्ट द आयरिश वूमैन। अ न्यू ट्रेंड मॉडर्न ड्रामा वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द आयरिश ड्रामेटिस्ट हु ब्रॉट अबाउट द सेल्टिक रिवाइवल इन लिटरेचर। इन द हैंड्स ऑफ द आयरिश ड्रामेटिस्ट लाइक डब्ल्यू बी ईट्स, जेम एम सिंज, लिनॉक्स रॉबिन्सन, द इमेजिनेटिव आइडियलिज्म विच ही ऑलवेज करेक्टराइज द सेल्टिक रेसेज, द लव ऑफ पैशनेट एंड ड्रीमिंग पोइट्री विच हैज एक्सरसाइज अ फैसिनेशन ओवर द आयरिश माइंड एंड द बिलीफ इन द फेरी वर्ल्ड विच हैज बीन एन आर्टिकल ऑफ फेथ इन द आयरिश पीपल हैव बीन रिप्रेजेंटेड इन मॉडर्न आयरिश ड्रामा। वर्तमान नाटक में एक नई प्रवृत्ति की आयरिश नाटककारों ने आरंभ किया जो साहित्य में सेल्टिक रिवाइवल लाए। डब्ल्यू बी ईट्स नाटककार के हाथों में नाटक यथार्थवाद नहीं रहा बल्कि प्राचीन समय से वर्तमान तक आयरिश लोगों को आशा व आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति बन गया। ये काल्पनिक आदर्शवाद जो सदा सेल्टिक जाति में विशेषता रही है। नेक्स्ट है इम्प्रेशनिज्म। इम्प्रेशनिज्म कॉन्स्टिट्यूट्स अनादर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ मॉडर्न ड्रामा। इन द इम्प्रेशनिस्टिक प्लेज ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स द मेन एफर्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ रिक्रिएटिंग द एक्सपीरियंस ऑफ द आर्टिस्ट एंड हिज इम्प्रेशन अबाउट रियलिटी रादर देन इन प्रेजेंटिंग रियलिटी एज इट इज। इम्प्रेशन में वर्तमान नाटक की महत्वपूर्ण विशेषता है। डब्ल्यू बी ईट्स के इम्प्रेशनिस्टिक नाटकों में वास्तविकता के प्रति उसके अनुभव कलाकार के अनुभवों को महत्व दिया जाता है, केवल वास्तविकता प्रस्तुत नहीं की जाती। नेक्स्ट है एक्सप्रेशनिज्म। एक्सप्रेशनिज्म इज अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ मॉडर्न ड्रामा। इट मार्क्स एन एक्सट्रीम रिएक्शन अगेंस्ट नेचुरलिज्म। द मूवमेंट विच हैड स्टार्टेड अर्ली इन जर्मनी मेड इट्स वे इन इंग्लिश ड्रामा एंड सिमिलर मॉडर्न ड्रामाटिस्ट लाइक Expressionist drama was concerned not with society but with man. It aimed at to offer subjective psychological analysis. The dialogue was often cryptic and patterned, now verse now prose. वर्तमान नाटक का अन्य महत्वपूर्ण तत्व एक्सप्रेशनिज्म है। यह नेचुरलिज्म के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया है। यह आंदोलन स्टार्टिंग में जर्मनी में आरंभ हुआ और फिर अंग्रेजी नाटकों में आया, जैसे के एम मुनरो, जे बी प्रीस्टले आदि ने इसके अनेक प्रयोग किए। नेक्स्ट है द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। देयर इज अ रिवाइवल ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स इन मॉडर्न ड्रामेटिक लिटरेचर। ऑस्कर वाइल्ड, नील कॉर्ड एंड सोमेस्टर मॉगम हैव डन मच टू रिवाइव द कॉमेडी ऑफ विट इन आवर डेज। द ड्रामा आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार हैज नॉट एग्जिबिटेड अ लव फॉर कॉमेडी एंड द सोशल कंडीशंस ऑफ द पीरियड आफ्टर द वॉर आर नॉट वेरी फेवरेबल फॉर द ब्लॉसमिंग ऑफ द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द रेस्टोरेशन एज। वर्तमान नाटक साहित्य में कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी पुनः जीवित हुई। ऑस्कर वाइल्ड और समरसेट मॉगम ने सराहनीय योगदान दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कॉमेडी के प्रति प्रेम दिखाई नहीं पड़ता। युद्ध पश्चात की परिस्थिति रेस्टोरेशन एज की कृत्रिम कॉमेडी की रचना के अनुकूल नहीं थी। नेक्स्ट है स्टेज डायरेक्शंस। इन मॉडर्न ड्रामा देर आर एलोवरेट स्टेज डायरेक्शंस। दीज स्टेज डायरेक्शंस कंसिडरेबली इज द वर्क ऑफ ड्रामेटिक प्रोडक्शन ऑन द स्टेज। वन कम्स अक्रॉस एलोवरेट स्टेज डायरेक्शन इन द प्लेज ऑफ गॉल्सवर्दी एंड जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। वर्तमान नाटक में विस्तृत स्टेज डायरेक्शंस होते हैं। ये रंगमंच पर नाटक के प्रस्तुतिकरण को पर्याप्त सरल बना देते हैं। गॉल्सवर्दी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के नाटक में ये बहुत से विस्तार में मिलते हैं। वर्तमान नाटकों में तीन क्लासिकल यूनिटीज एंड टाइम प्लेस एक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसमें सम्मान छोटे परंतु तीखे होते हैं। एक्शन की कमी की पूर्ति सुंदर संवाद द्वारा की जाती है।
नेक्स्ट है टेक्निक। इन मॉडर्न ड्रामा द थ्री क्लासिकल यूनिटीज ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शंस आर जनरली मेंटेन। डायलॉग्स इन मॉडर्न ड्रामा आर शॉर्ट एंड ट्रेंच्ड। द लैक ऑफ एक्शन इज मेड अप बाय फाइन डायलॉग्स फॉर द सोलिलोक्वीज एंड असाइड्स हैव बीन कंप्लीटली अवॉइडेड इन मॉडर्न ड्रामा। Whatever confusion there may be, however, and whatever failure may occur, it is certain that the renaissance of English drama, heralded in the 19th of the last century, has not lost its vital force, and modern drama is a literary force in 20th century literature. सोलिलोक्वीज तथा साइड से वर्तमान नाटकों में बचा जा सकता है। चाहे कितनी भी अव्यवस्था हो, कितनी भी असफलता मिले, परंतु ये निश्चित है कि पिछली शताब्दी के 90 के दशक में आरंभ नाटक ने अपनी शक्ति का ह्रास नहीं किया। वर्तमान नाटक 20वीं शताब्दी का एक विशेष विशाल साहित्यिक शक्ति है। इसका आरंभ 20वीं शताब्दी में बहुत जोर शोर से हुआ था। विक्टोरियन एज में इसका बिल्कुल ये ख़त्म सा हो गया था। फिलहाल 6 दशक की अवधि में 20वीं शताब्दी में नाटक ने अनेक प्रकृतियाँ तथा इसके प्रकारों को भी देखा था। वट एवर कन्फ्यूजन दे मे बी हाउवर एंड वट एवर फेलियर मे अक्यर इट इज़ अ सर्टेन एंड द रिनेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामा हेरल्डेड इन द 19th ऑफ द लास्ट century has not lost its vital force and modern drama is a literary force in 20th century literature.